गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। आज का टॉपिक है सत्संग के लिए हर कष्ट सह लो। प्यारी सत्संग जी, सत्संग की तरफ जो हमारा कदम बढ़ता है तो ये माया अपना प्रभाव दिखाती है। सत्संग में जाने से ये माया रोकती है, माया घेर लेती है। मन घर बार के कामों में लगा रहता है या कोई कारोबार बिजनेस व्यापार में मन उलझ जाता है, तो सत्संग के समय ही अक्सर ऐसा हुआ करता है। सत्संग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे फिर परेशानियां भी आनी शुरू होती हैं। माया घेरती है, इस मन को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जिनको गुरु से प्यार होता है तो फिर वो हर कष्ट दुख तकलीफ को सह के भी सत्संग की तरफ जाते हैं। संत महात्मा जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सत्संग को ही देते हैं। सत्संग ही इस जीवन का सारांश है, सत्संग ही जीवन है। सत्संग के बिना इस जीवन में सुख शांति आती ही नहीं है। सत्संग से ही जीवन में आनंद है, परमानंद है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वो बैकुंठ में ना होए। कि साध की संगत कर ले बंदे चेहरे को पुरनूर करे। साध की संगत, सत्संग की महिमा अपरंपार है। तो हम दुनिया में कोई भी काम करें, अगर कोई भी अचीवमेंट भी संसार में हम करना चाहें तो कोई भी लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता है। हर लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते में प्रॉब्लम्स आती है, चुनौतियां आती हैं, दुख तकलीफ मुसीबत आती है। कोई भी काम दुनिया में आसानी से नहीं होता है। हम पढ़ाई भी करें, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो साल भर जब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाकर हमें अच्छे मार्क अच्छे नंबर मिलते हैं। तो पढ़ाई करते हैं तो तकलीफ भी आती है, कभी नींद आएगी, कभी आलस आएगा, कभी कोई ना कोई रुकावट आएगी। लेकिन मेहनत हमने छोड़ना नहीं है। पढ़ाई लिखाई है, हमारा कोई बिजनेस है, नौकरी है, धंधा है, कारोबार है, कोई बड़ा अचीवमेंट हमें लेना है, तो दुनिया के काम में भी सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ भी हर कष्ट को सहना पड़ता है। तो बिना कष्ट सहे दुनिया में कुछ भी मिलता नहीं है। तो यहाँ तो बात हो रही है परमार्थ की, भगवान की बात हो रही है। तो भगवान के मार्ग में भी जब हम चलते हैं तो हमें कष्ट को सहना पड़ता है। हम संतों का जीवन उठा के देखें तो संतों ने बहुत से कष्ट उठाए, गुरुओं वली पीर पैगंबर ने बहुत से कष्ट उठाए। तो सत्संग आसानी से नहीं मिलती, सत्संग उसी को मिलती है जिस पर राम की विशेष कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। तो सत्संग की जो प्राप्ति है सबसे बड़ा पुण्य का फल है, लेकिन ये मिलता उसी को है जिसको गुरु से प्रेम होता है, जिसको प्रभु से प्रेम होता है। तो प्रेम के मार्ग में तो प्रेमी सारे कष्ट सह लेते हैं। कितने कितने भक्तों को संसार ने बहुत परेशान किया, जब वो सत्य की तरफ चले, सत्य के रास्ते पर चले, तो उन्हें बहुत सताया गया, बहुत परेशान किया गया। बाल संत भक्त प्रहलाद जी को कितना परेशान किया गया, उनके पिता निहरणाकश्यप ने कितना परेशान किया। तो सत्संग के मार्ग में प्रॉब्लम आती है। कई की भक्तों की हम कहानियां देखें, संसार ने उन्हें बहुत सताया, उन्हें पागल तक कह दिया कि ये तो पागल हो गया है, ये तो दिन रात भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, भजन कीर्तन ही करता है, सत्संग ही करता है, और कोई काम नहीं करता है। तो बहुत ताने भी सहने पड़ते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। फूल करे ना परवा, जैसे साथ खड़े हुए खारों की,
ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की, बोलना इनके खाली होते दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लिप्त कमल, जीव चंदन ने खुशबू छोड़े बीच में रहकर बाँसों के, रहता है हरिनाम साथ ही आते जाते सांसों में, जीव जल में मुर्गा भी रहती लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भरम भुलाने का। तो भक्त परेशान नहीं होते, भक्त तो हंसकर मुस्कुराकर सारी संकट कष्ट मुसीबत को सह लेते हैं, क्योंकि उन सत्संग से प्रेम है, सद्गुरु से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है। तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, सत्संग में जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनका रास्ता नहीं रोक सकती है, क्योंकि वो दीवाने हैं, खुदा के दीवाने हैं, सद्गुरु के दीवाने हैं, प्रभु के दीवाने हैं। तो दीवानों को कोई आज तक रोक नहीं पाया है, दीवाने कभी रुकते नहीं हैं, दीवाने कभी थमते नहीं हैं। संसार में सांसारिक प्रेम की हम बात करें, हीर रांझा लैला मजनू रोमी जूलियट की बात करें, तो इनको भी कितना रोका गया, लेकिन ये रुके नहीं, हर कष्ट को सहकर आगे बढ़ते ही रहे। तो यहाँ तो बात है परमार्थ की, परोपकार की, सेवा की, सत्संग की, सिमरण की, प्रभु से प्रेम की। तो फिर यहाँ भला भक्त कैसे रुक सकते हैं, ये दीवानगी है। दुनिया में होता रब का आशिक कोई कोई, प्रभु के दीवाने तो कोई कोई होते हैं, विरले होते हैं, लाखों में कोई एक होता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति व्रण कुल खोए। तो सत्संग में जाना है तो जाना है, सत्संग के लिए अगर कदम बढ़ गए तो फिर रुकना नहीं है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सब चिंता को, सारी मोह माया को तज देना है। जब सत्संग का समय हो तो समझना है हमारी मौत आ गई है, मौत कोई चांस देती नहीं है। सब छोड़कर सत्संग की ओर चले जाना है, सद्गुरु की सेवा करना है, और ये अरदास प्रार्थना करना है, सद्गुरु शक्ति देना, सहनशीलता की शक्ति देना। सारे कष्ट मुबारक हैं, बस सहने की शक्ति देना, कोई कष्ट आए तो सहने की शक्ति देना, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना, संतों से दूर मत करना, सत्संग से दूर मत करना। सत्संग सेवा सिमरण मिलता रहे, चाहे इसके लिए कितनी भी कष्ट मुसीबत आए, झेलने की ताकत देना, सहने की ताकत देना, क्योंकि दुनिया है, दुनिया की मोह माया है, ये रोकती है, सत्संग में जाने से रोकती है, मन को भटका देती है, मन को भरमा देती है। लेकिन जिस पर सद्गुरु की विशेष कृपा होती है, जो सद्गुरु के दीवाने होते हैं, वो रुकते नहीं हैं, थमते नहीं, वो आगे ही बढ़ते हैं, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जो हर संकट कष्ट मुसीबत को झेलकर हमेशा सत्संग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो संसार में उनकी पूजा होती है। हम आज जितने संतों के भक्तों के नाम लेते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जिनकी टीचिंग शिक्षाएं हम लेते हैं, उन सब ने कष्ट सहे हैं, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए अगर कष्ट आए तो हमें हंसते मुस्कुराते हुए सह लेना है। शुक्राने का भाव, मुस्कुराने का भाव हमारे मन में होना चाहिए, शुक्राना और मुस्कुराना, हर हाल में शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, सुख आए दुख आए, कैसी भी परिस्थिति, एक जैसी मनोस्थिति, बस परमात्मा की याद में रहना है, प्रभु के साथ में जुड़कर रहना है, सेवा सत्संग सिमरन करते रहना है, चाहे कितने ही बुरे हालात हों, हमने सत्संग कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर मुश्किल का हल सद्गुरु है। सत्संग में आने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन रंकाज।